आज हम सूजी का बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे। ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी और ये हम बहुत ही कम तेल में इसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, अनीता क्लासिक किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सूजी का घोल बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल में 1 कप सूजी ले लिया है। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी या फिर बारीक। इसी के साथ हम आधा कप दही लेंगे। दही ज्यादा खट्टी ना ले। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और मिक्स कर देंगे। हमें इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। आप एक साथ पानी को ना डालें, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। सूजी का घोल बनकर तैयार है। आपको लग रहा होगा कि पानी ज्यादा है, मगर सूजी पानी एब्जॉर्ब करता है तो वह ठीक हो जाएगा। घोल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। 1 कप पानी में हमारा 2 बड़ी चम्मच पानी बच गया है। अब इसे हम ढक कर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हूँ, जिसमें 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटी हुई गाजर, 1 बारीक कटी हुई प्याज और 1 बारीक कटी हुई टमाटर है। और साथ ही 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है। और इसी के साथ 2 बड़ी चम्मच धनिया पत्ती लिया है। आप सब्जियां अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में सारे सब्जियों को डाल दे रही हूँ। आप अगर इसमें से कोई सब्जी ना खाते हो तो उसे स्किप कर सकते हैं और अपने मन पसंद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, या फिर स्वाद के अनुसार नमक डालें। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अब अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। सूजी के घोल को हमने जो रखा था, 15 मिनट हो चुके हैं। सूजी अच्छे से फूल चुकी है। ये थोड़ा अभी गाढ़ा लग रहा है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हमने जो 2 बड़े चम्मच पानी बचाया था, वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए सूजी का घोल बनकर तैयार है। अब इसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया है। फिर इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब अंत में हम 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, डालकर मिक्स कर देंगे। अभी से ही ये फ्लफी होने लगा है। अब गैस पर तवा रख कर हल्का सा पहले गर्म होने दें। फिर हम ब्रश की सहायता से बिल्कुल हल्का सा तेल डालकर फैलाएंगे। फिर इसमें कलछन की सहायता से बैटर को डाल देंगे और धीरे धीरे से आप इसे चारों ओर फैलाएं। फिर इसमें हम सब्जियों को इसके ऊपर डालकर फैला देंगे। और हल्का हल्का इस प्रकार से दबा दें। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखें। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए साइड से भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम ब्रश की सहायता से हल्का हल्का तेल लगाएंगे। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी इसमें तेल डाल सकते हैं। तेल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हम इसे पलट देंगे। फिर से इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखें। 2 मिनट के बाद ये देखिए ये कितने अच्छे से पक गए हैं और कलर भी कितना अच्छा आया है। इसे हमने बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है। अब इसे हम प्लेट पर निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से हम और बना लेंगे। दूसरा बनाने के लिए सबसे पहले अब हम तवे पर हल्का सा पानी छिड़क देंगे। फिर इसे टिश्यू पेपर से पोंछ देंगे, ताकि तवे का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। अब हम कलछन की सहायता से बैटर को इसमें डालेंगे और हल्का सा फैला लेंगे। फिर हम बैटर के ऊपर सब्जियों को डालकर हल्का हल्का प्रेस कर देंगे।
और इसे 2 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे। 2 मिनट के बाद अब हम ढक्कन हटा लेते हैं और इसे फिर से हम हल्का हल्का ब्रश की सहायता से ऑयल लगा देंगे और इसे पलट देंगे और फिर से ढक कर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए अब हमारा दूसरा भी बनकर तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे झटपट बनाकर सर्व करें। इसे भी हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब इसी प्रकार हम सारे सूजी के नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल अनीता क्लासिक किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।